Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We are doing chapter 7, which is Revolt of 1857, and in the last lecture we were doing the nature of the revolt, okay? And today we will be beginning with the consequences of the revolt. But before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. So today we will be dealing with the consequences of the revolt plus the significance of the revolt. So let's have a look at the question. What changes do we see in the British policies, governance and society after the revolt of 1857? Basically, 1857 के revolt के बाद British ने अपने administration में बहुत सारे changes किए, new laws लेके आए, new acts लेके आए and society में भी बहुत changes हुए. So let's have a look what all these changes were. So revolt of 1857 marks a turning point in the history of India. इंडिया के इतिहास में 1857 का रिवोल्ट एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने इंडिया की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी. ओके, सो इट लेड टू फार रीचिंग चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब ब्रिटिश अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाली है. सो 1857 का रिवोल्ट जब सप्रेस हुआ, उससे पहले ही उसको पूरी तरह सप्रेस कर भी नहीं पाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उससे पहले ही इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया विच वॉज फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो इट वॉज इन द ऑगस्ट 2 1858, रिमेंबर द ईयर, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड. क्या हुआ इस एक्ट में? इट डिक्लेयर्ड क्वीन विक्टोरिया एज द सॉवरेन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. अब बहुत इंपॉर्टेंट ये चेंज है, क्योंकि इस डेक्लेरेशन के बाद जब आपने अनाउंस कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो सॉवरेन रहेगी, कहने का मतलब अथॉरिटी किसकी रहेगी अब? डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया की, क्योंकि इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा है? क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही हैं. ठीक है, सो सॉवरेन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया. सो बेसिकली एक तो क्वीन विक्टोरिया का रूल रहेगा, डायरेक्ट रूल रहेगा, प्लस एक अथॉरिटी है जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. ये बेसिकली क्वीन विक्टोरिया के बिहाफ पे रूल करने वाले हैं. ठीक है, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अफेयर्स है इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का, वो देखने वाले हैं इसको. सो ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट. इंग्लैंड में जो कैबिनेट थी, ब्रिटिश कैबिनेट थी, उसके ये मेंबर थे. ठीक है, सो द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वॉज अज्यूम्ड बाई द ब्रिटिश क्राउन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर में आ गई? क्राउन. क्राउन से मतलब क्या है? क्वीन विक्टोरिया. और कंपनी रूल हो गया खत्म. तो चल क्या रहा था अभी तक? 1857 से पहले चल क्या रहा था कि कंपनी रूल कर रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल, लेकिन देख रेख कौन कर रहा था? कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, EIC वॉज द कमांड, सॉरी EIC वॉज कमांडिंग द अफेयर्स. तो वो चीज़ कर दी इन्होंने बिल्कुल ख़त्म. EIC का कोई रोल नहीं रहेगा अब. रोल सीधा और सीधा किसका आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का. क्राउन का रूल आ गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. ओके, नाउ एजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई द सॉवरेन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन वॉज अनाउंस्ड बाई द लॉर्ड कैनिंग. इसको अनाउंस किसने किया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग. इस टाइम पे कौन है गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग. रिमेंबर दिस. कहाँ पे अनाउंस किया? अलाहाबाद में अनाउंस किया. एक दरबार लगाया. दरबार तो आप समझते हैं ना, गैदरिंग उन्होंने की. ठीक है, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स थे उनको बुलाया गया वहाँ पे, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को बुलाया गया होगा. तो एक दरबार लगा और वहाँ पे इन्होंने अनाउंस कर दिया. उसको क्या बोला गया? क्वींस प्रोक्लेमेशन. ठीक है, ये क्वीन का ऑर्डर है, क्यों ये क्वीन ने प्रोक्लेम किया है. कब इशू हुआ है ये? नवंबर 1, 1858, इन द ईयर 1858. सो इट वॉज दिस प्रोक्लेमेशन ओनली. इसी प्रोक्लेमेशन के अंडर अब ये जो गवर्नर जनरल की डेजिग्नेशन थी, इसको ख़त्म करके एक नई डेजिग्नेशन आ गई विच वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और द न्यू टाइटल वॉज अनाउंस्ड. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस रिवोल्ट के बाद 1858 से अब गवर्नर जनरल नहीं होंगे इंडिया के. अब टाइटल क्या बन गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट दैट हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इट वॉज लॉर्ड कैनिंग. तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि क्या लॉर्ड कैनिंग सिर्फ वाइसरॉय थे? नहीं, वाइसरॉय बनने से पहले लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे इंडिया के. ठीक है, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज योर, एज पर द क्वींस प्रोक्लेमेशन, जो ये प्रोक्लेमेशन हुआ, द एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन हैड एंडेड. इन्होंने कहा, इसमें ये बताया गया कि अब जिस तरीके से पिछले दिनों में
इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर लिया जा रहा था, ठीक है, वो चीज़ अब ख़त्म, अब कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, कोई एनेक्सेशन नहीं होगा, और ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि हम आपकी इज्जत का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, डिग्निटी का ख्याल रखेंगे, और जो नेटिव प्रिंसेस थे, जो स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे, रूलर्स थे, उनकी भी राइट्स को हम नहीं छीनेंगे, ऐसी बात कही गई उस प्रोक्लेमेशन में. सो इंडियन स्टेट्स वर हेंसफोर्थ टू रिकॉग्नाइज द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. तो अब क्या है कि लीगली तरीके से एक्सेप्ट करने जा रहे हैं इंडियंस कि हाँ, हमारे ऊपर किसका रूल है, ब्रिटिश क्राउन का या फिर ब्रिटिश का रूल है, ठीक है, एंड वर टू बी ट्रीटेड एज दी पार्ट ऑफ द सिंगल चार्ज. और उनको अब जो हमारे जो इंडियन स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स हो गए या फिर ब्रिटिश के जो डोमिनियंस थे, उनको अब क्या ट्रीट किया जाएगा कि वो किसकी टेरिटरीज़ हैं, वो ब्रिटिश की टेरिटरीज़ हैं या फिर ब्रिटेन की टेरिटरीज़ हैं, या मैं कहूँ इंग्लैंड की टेरिटरीज़ हैं. ओके, तो बिल्कुल सब कुछ एकदम से चेंज हो गया, एकदम पलट गया सब कुछ, कॉइन का एक दूसरा साइड हमें देखने को मिल रहा है. एंड दिस इज हाउ द इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश रूल कंप्लीटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. सो पीपल ऑफ इंडिया वर प्रॉमिस्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल्स. बड़े अच्छे अच्छे प्रॉमिस किए गए कि हम आपके रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आपको अपना रिलीजन फॉलो करने का पूरा अधिकार रहेगा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. देन इट ऑल्सो प्रॉमिस्ड इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ टू ऑल द इंडियंस. जो भी लॉ थे, कोर्ट्स थे, जो जस्टिस सिस्टम था, जो जुडिशरी चल रही थी, उसमें आपको पूरा राइट मिलेगा एक्सरसाइज करने का, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने का आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है. आपके लिए जो लॉ है वही लॉ ब्रिटिश के लिए भी रहेगा, या ब्रिटिश के लिए जो लॉ है वही आपके लिए भी रहेगा, और जो प्रोटेक्शन उनको मिली हुई है वही आपको भी मिलेगी. इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में, भले ही आप किसी भी रेस या क्रीड से बिलोंग करते हैं. और ये प्रॉमिस किया गया कि जितने भी पुराने इंडियन राइट्स हैं, कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे, जैसे हिंदू लॉ थे, मुस्लिम्स के अपने कुछ उनके लॉज थे, तो उनको ध्यान रखा जाएगा जब नए लॉज लेके आएंगे. कोई भी नया लॉ अगर बनेगा तो पुराने लॉज को, उनके ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए नए लॉज का फॉर्मेशन होगा. ओके, सो आर्मी विच वॉज एट द फोरफ्रंट ऑफ द आउटब्रेक, ये जो पूरा 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, इसमें आगे से कौन लड़ रहा था, आर्मी लड़ रही थी, ठीक है. सो इसको किया गया रिऑर्गेनाइज, ये बहुत ही बड़ा चेंज था. रिमेंबर दिस, ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसी केम टू बी डोमिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ डिवीजन एंड काउंटर पॉइज. वेरी इंपॉर्टेंट, ये अब शुरू हो गया है वो जो हम बात कर रहे थे कि डिवाइड एंड रूल जो शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है आपका 1857 रिवोल्ट के बाद की. पहले डिवाइड कर दो ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, हर तरीके से, और फिर आप करो रूल, ठीक है. सो ब्रिटिश कुड नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द इंडियन लॉयल्टी. ऑब्वियसली बात है भाई, इंडियन सोल्जर्स ने ही तो रेबल किया था, ठीक है, तो अब वो कैसे उन पर भरोसा कर लें. तो क्या किया गया, इंडियन सोल्जर्स के नंबर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया और यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया आर्मी में, ठीक है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज अडॉप्टेड विद सेपरेट यूनिट्स बींग क्रिएटेड. अब इसका हमें पहला एग्जाम्पल मिलता है कि इन्होंने पॉलिसी अपनाई कहाँ पर, डिवाइड एंड रूल की, आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन में. कैसे, कि आर्मी को उन्होंने रीग्रुप कर दिया, डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन. लेट से कोई अगर रेजिमेंट है, ठीक है, तो उसमें एक पर्टिकुलर लेट से पंजाबीज को ही उन्होंने एम्प्लॉय किया, दूसरे रेजिमेंट में उन्होंने किसी दूसरी कास्ट के सोल्जर्स को एम्प्लॉय किया, तो इस तरीके से डिविजन करना उन्होंने शुरू कर दिया. सो रिक्रूट्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द मार्शियल रेसेस ऑफ द पंजाब, नेपाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर. तो ये इन एरिया से ज़्यादातर सोल्जर्स को उठाया गया, उनको रिक्रूटमेंट दिया गया, क्योंकि इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिश का सपोर्ट किया था, ठीक है. तो और ये मार्शल आर्ट्स में भी थोड़ा सा इनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी, दे वर बेटर, इसलिए पंजाब से, नेपाल से आपको पता है गोरखास को एम्प्लॉय किया जाता है ज़्यादातर, आज भी किया जाता है, उस टाइम पे भी लार्ज स्केल में गोरखा को एम्प्लॉय किया जाता था, गोरखा रेजिमेंट्स होते थे और आज भी होते हैं, ठीक है. और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से भी आपके लिए गए. सो पूरी कोशिश की गई कि आर्मी में जो है सिविलियन पॉपुलेशन बहुत ही कम रहे, ताकि फिर से ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ ऐसा देखने को ना मिले. सो आर्मी एमलगेमेशन स्कीम 1861 लाई गई, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इट मूव द कंपनीज यूरोपियन ट्रूप्स टू द सर्विसेज ऑफ द क्राउन. इस स्कीम के बाद ये जो नया काइंड ऑफ रूल लेके आए हैं, तो इसके बाद जो यूरोपियन ट्रूप्स थे,
ठीक है, कंपनी के जो कंपनी के अंडर में काम कर रहे थे जो सोल्जर्स, उनको कहाँ भेज दिया गया, सीधा भेज दिया गया ब्रिटेन की, जाओ आप वहाँ जाके क्वीन की सर्विस करो। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आर्मी एमलगेमेशन स्कीम में क्या किया गया और ये कब पास हुआ है, 1861 में। ठीक है, सो यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वर कॉन्स्टेंटली रिवैम्प्ड बाय पीरियोडिकल विजिट्स टू इंग्लैंड, समटाइम्स टर्म्ड एज द लिंक्ड बटालियन स्कीम। ठीक है, ये भी याद रखना है, व्हाट इज लिंक्ड बटालियन स्कीम। तो इंडिया में जो यूरोपियन सोल्जर्स थे, ठीक है, उनकी विजिट होती थी, इंग्लैंड भेजा जाता था उनको बार बार, ताकि उनका जो इनोवेशन है वो होता रहे, ठीक है, उनकी जो अपडेशन है वो होती रहे। तो लिंक्ड बटालियन स्कीम के अंडर जो यूरोपियन ट्रूप्स थे, यूरोपियन सोल्जर्स थे, उनको बार बार इंग्लैंड भेजा जाता था उनकी और फर्दर ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ऑल इंडियन आर्टिलरी यूनिट्स एक्सेप्ट द फ्यू माउंटेन बैटरीज वर मेड डी फंक्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी आर्टिलरी यूनिट्स, मतलब जो आप गन्स वगैरह यूज़ करते हो, उनकी जो यूनिट्स हैं उनको जो है बिल्कुल डी फंक्शनल कर दिया गया, उनको ऑपरेशन में नहीं रखा गया इसके बाद, कुछ माउंटेन बैटरीज को अगर आप छोड़ दें तो। और जितनी भी हायर पोस्ट थी आर्मी में और आर्टिलरी डिपार्टमेंट्स में, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व की गई। अब ये देखो, सबसे मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉन्ट्रडिक्शन का मिल गया सबसे पहले ही, जबकि आप बात कर रहे हो यहाँ पे ऊपर क्या कह रहे थे कि हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, क्या कह रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे इन द गवर्नमेंट सर्विस, आर दे अबाइडिंग बाय देयर प्रोमिसेस, तो भाई प्रोमिसेस ब्रेक करने में तो दे वर वेरी अहेड। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला प्रोमिस अपना कर दिया ब्रेक। ठीक है, जितनी भी हायर पोस्टेस थी आर्मी में वो किसके लिए रिजर्व थी, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए। टिल द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी नो इंडियन वॉज थॉट फिट टू डिजर्व, और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक भी यही सोचा जाता था कि इंडियंस तो डिजर्व ही नहीं करते इतनी हाई पोजिशन को सर्व करना, या फिर किंग्स के कमीशन में, किंग और क्वीन जो इंग्लैंड में रूल कर रहे हैं उनके कमीशन में जाना, ओके, बिकॉज यूरोपियंस वर कंसिडर्ड सुपीरियर टू एन इंडियन ऑफिसर। नाउ अर्लीस्ट रिफॉर्मिस्ट जील ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट विक्टोरियन लिबरलिज्म evaporated as many liberals in Britain began to believe that Indians were beyond reform. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, that initial में Britishers were very very zealous, मतलब बहुत enthusiastic थे कि हम जो ये जो Indian races हैं, इंडिया के जो लोग हैं जो backward हैं, orthodox हैं, इनको हम करेंगे reform, इनमें लाएंगे हम बदलाव। ठीक है, और ये जो इनका ज़ील था इस रिवोल्ट के बाद पूरा हो गया ख़त्म, क्योंकि उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया दैट इंडियंस को तो आप रिफॉर्म कर ही नहीं सकते, आप कोई चेंजेस ला ही नहीं सकते। तो ये जो न्यू अप्रोच थी, ये जो न्यू थिंकिंग थी, नई सोच थी, दिस वॉज कॉल्ड एज द कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म। मतलब एक तरफ तो आप लिबरलिज्म की बात करो, लिबरल होने की बात करो, और दूसरी तरफ आप कंजर्वेटिव अप्रोच भी रख रहे हो कि कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, आप कोई चेंजेस ला ही नहीं सकते। इसको ये जो अप्रोच है ये किसने दी थी, ये बेसिकली थॉमस मेटकाल्फ ने दी थी। ठीक है, एंड दे हैड द सॉलिड सपोर्ट ऑफ द कंजर्वेटिव एंड द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस ऑफ द इंग्लैंड। इस अप्रोच को किसका सपोर्ट मिला, मतलब इस अप्रोच को और किसने माना, इसको माना जो इंग्लैंड के जो कंजर्वेटिव लोग थे, एलीट लोग थे, हाईफाई लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक रॉयल फैमिली के लोग थे, वो भी मानने लगे थे कि हाँ अब कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। सो दे espoused the complete non-interference in the traditional structure of the Indian society। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनका जो सदियों से जो रीतियाँ चली आ रही हैं, भले कुरीतियाँ हों, मतलब ईविल्स हों, सोशल ईविल्स हों, ठीक है, हम इंटरफेयर नहीं करने वाले। सो एरा ऑफ द रिफॉर्म स्कीम टू एन एंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है लेकिन बहुत डीप मीनिंग है इसका, कि रिफॉर्म्स, बदलाव का जो एक एरा शुरू हुआ था ब्रिटिश के आने के बाद, वो 1857 के रिवोल्ट के बाद ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज योर कंजर्वेटिव रिएक्शन इन इंग्लैंड मेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया मोर ऑटोक्रेटिक। और इस सोच की वजह से, ये जो कंजर्वेटिव सोच इंग्लैंड में आ गई है, ठीक है, ब्रिटिशर्स में आ गई, इसकी वजह से और ज़्यादा ऑटोक्रेटिक, यानी कि और ज़्यादा अथॉरिटेटिव रूल हो गया ब्रिटिश का इंडिया में। दैट इज लोगों को फ्रीडम मिलना और भी कम हो गई, और रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाना शुरू कर दिया गया। इट बिगैन टू डिनाई द एस्पिरेशंस ऑफ द एडुकेटेड इंडियंस फॉर शेयरिंग पावर। अब एडुकेटेड इंडियंस, आपको याद है कि वो पार्टिसिपेशन उन्होंने नहीं दिया 1857 के रिवोल्ट में, क्योंकि उनका कहना था कि ब्रिटिश जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब उनके जो भी उनकी एस्पिरेशंस थी, उनकी जो सोच थी, उस पर भी पानी फिर गया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि पावर जो है वो डिवाइड शेयर हो, इंडियंस को भी पावर मिले। अगर ब्रिटिश के पास पावर है तो इंडियंस को भी पावर मिलनी चाहिए रूल करने की। ठीक है, उनके हाथ में भी गवर्नेंस आनी चाहिए, गवर्नमेंट उनके हाथ में भी आनी चाहिए। इस पर भी पूरा
पानी फिर गया. एंड इन द लॉन्ग टर्म दिस न्यू ब्रिटिश एटीट्यूड प्रूव्ड काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द एम्पायर. अब यही फिर आगे जाके कॉज बना है इतनी सारी जो हमारी नेशनल मूवमेंट्स हुई हैं फ्रीडम के लिए और ब्रिटिश के अगेंस्ट में, क्योंकि लोग होना शुरू हो गए फ्रस्ट्रेट. ऑब्वियसली बात है भाई, आप उनकी फ्रीडम छीन रहे हो, ठीक है, उनको राइट्स नहीं दे रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे लोग. और स्पेशली कौन ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे? एडुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास, बिकॉज दे नो द रियलिटी, उनको पता है, ठीक है, दे आर इन टच विद दी ऑल द करंट इवेंट्स गोइंग ऑन अराउंड द ग्लोब, और भी दूसरी कंट्रीज में जो रेवोल्यूशन हो रहे हैं आज़ादी को लेके, ठीक है. तो ये लोग होने वाले फ्रस्ट्रेट. और अब इसके बाद एक और नया एरा शुरू होगा, विच विल बी दी एरा ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स. सो इट गेव राइज टू मॉडर्न नेशनलिज्म. और इसके बाद हम बात करते कि अब शुरू हो जाएगा नेशनलिज्म, दैट इज देश राष्ट्रीयवाद या फिर देशभक्ति के लिए पेट्रियाटिज्म का भी जन्म होगा. ओके, सो पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड द रूल स्टार्टेड इन द अर्नेस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. ये हम देख चुके हैं कि डिवाइड एंड रूल करना उन्होंने शुरू कर दिया. ब्रिटिश यूज्ड वन क्लास और द कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर. सबसे पहला एग्जांपल देख चुके हैं कि आर्मी में रिक्रूटमेंट किसके बेसिस पे हो रहा है, कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे. तो एक क्लास को दूसरी क्लास के अगेंस्ट में भड़काना, ये उन्होंने कर दिया था शुरू, और इसका वो एडवांटेज लेके रूल कर रहे थे. सो सोशली देयर वॉज इररेमेडिएबल डिटीरियोरेशन, आई एम रियली सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग. तो जो डिटीरियोरेशन हुआ, इसके बाद जो डिटीरियोरेशन हुआ, मतलब इसका जो फायदा उन्होंने उठाया, डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन, और उसका हम भुगतान आज तक कर रहे हैं, वो आज तक भुगत रहे हैं. जो एक एनमिटी है दोनों क्लासेस, सॉरी दोनों रिलीजन्स के बीच में, वो आप सबको पता है आज के टाइम में भी, ठीक है. जो थोड़ी बहुत हेट्रेड हमें देखने को मिलती है, वी नो अबाउट दैट. देन इन अकॉर्डेंस विद द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ द 1858, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861 वॉज पास्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और एक्ट पास हो गया है, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट. इट वॉज टू गिव एन इम्प्रेशन दैट अंडर द क्वीन ऑल वर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस और क्रीड. जो प्रॉमिस किया था ना कि हम आपके कोई भी सोसाइटी में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो इस ये दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने पास किया था सिविल सर्विसेज एक्ट, ठीक है. इसमें बेसिकली क्या था, इस एक्ट में क्या था, दैट सर्टेन पोस्ट वर रिजर्व फॉर दी इंडियंस एज वेल, ठीक है, शॉर्ट में इतना है. लेकिन क्या अगर उसमें थोड़ा डिटेल रूल्स की बात करें, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल थे, इतना ईजी नहीं था इंडियंस को इस सर्विस के थ्रू, सॉरी इस एक्ट के थ्रू सर्विस में एंट्री मिलना, इंडियन सिविल सर्विसेज में. ओके, देन रेशियल हेट्रेड एंड सस्पेशन बिटवीन द इंडियंस एंड द इंग्लिश. अब ये तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई नई बात तो थी नहीं, ये तो पहले से चला आ रहा था, ठीक है. एक दूसरे के लोग, एक दूसरे के प्रति थोड़ा हेट्रेड था, एक क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इंग्लिश की तरफ से था, वो इन्फीरियर समझते थे इंडियंस को, ठीक है. तो ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई अब. एंड द प्रोपोनेंट्स ऑफ द इंपीरियलिज्म इन इंडिया डब्ड द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन इज अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड सब्जेक्टेड दैम टू इंसल्ट्स एंड कंटेम्प्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप ट्रस्ट करने के लायक नहीं हो, क्योंकि ये कहते थे कि आपने काइंड ऑफ एक डिसेप्शन किया. जो इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने लड़ाई की रिवोल्ट ऑफ 1857 की, ठीक है, कि उन्होंने हमें धोखा दिया है. सो उन्होंने कहना शुरू कर दिया दैट वी कैन नॉट ट्रस्ट यू. एंड इससे अब और भी ज़्यादा इंसल्ट्स, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे स्पेशली ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखोगे विलेजेस में जाके, तो बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और होना और ज़्यादा शुरू हो गया था. इंसल्ट्स तो नॉर्मल सी बात थी, ठीक है. सो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वॉज रीमॉडल्ड एंड बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ मास्टर रेस जस्टिफाइंग द फिलोसफी ऑफ द वाइट मेंस बर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट. तो पूरा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसे चेंज हुआ कि अब रूल करने की एक क्लास आ गई है जो मास्टर है, ठीक है, और ये जो इंडियंस हैं, ये नेटिव्स हैं, ये सब्जेक्ट हैं, ये इन्फीरियर हैं, और इनके ऊपर रूल हम करेंगे कौन, ब्रिटिश. और ये किस फिलोसफी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वाइट, ये तो मतलब कह रहे हैं कि वाइटनेस बर्डन का मतलब होता है कि ये तो हमारा बर्डन है, हम जो रूल करना पड़ रहा है हमें आपके ऊपर, ये हमारे लिए एक बर्डन है. सो बहुत ही आयरॉनिकल सी बात है कि इस वर्ड के पीछे वो अपने एक्ट्स को, अपने एक्सप्लॉयटेशन को छुपा रहे हैं, ठीक है. इससे जो दोनों के बीच में गैप था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और इंडियंस के बीच में, और बढ़ता चला गया, ठीक है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट
कॉन्सिक्वेंसेस की क्या हुआ. ठीक है, एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टर्म है व्हाइट म्यूटनी. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाइट म्यूटनी. व्हाट इज व्हाइट म्यूटनी? बेसिकली नाम से पता चल रहा होगा, व्हाइट का यहाँ पे, हाँ जी वही मतलब है कि कुछ ब्रिटिश या इंग्लिश से रिलेटेड है. तो मतलब इंग्लिश या ब्रिटिश सिपॉइज की, सोल्जर्स की कोई म्यूटिनी हुई है, कोई रेबेलियन हुआ है. हुआ क्या, जब पावर जो है ट्रांसफर होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में, दैट इज इंग्लैंड के पास, सीधा क्वीन विक्टोरिया जी के पास पावर चली गई, तो कुछ यूरोपियन फोर्सेस जो अंडर कंपनी एम्प्लॉय थी पहले, जो EIC के अंडर में काम कर रही थी, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका रीऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हो गया. सो दे रिजेंटेड द मूव दैट रिक्वायर्ड द 3 प्रेसिडेंसी आर्मीज टू ट्रांसफर द एलिजेंस फ्रॉम द डिफंक्ट कंपनी टू द क्वीन. अभी हमने देखा कि कुछ यूरोपियंस को जो है वो इंग्लैंड भेज दिया गया था. सो इसमें भी यही चीज़ कि जो 3 हमारी प्रेसिडेंसीज थी, दैट इज बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, यहाँ पे जो आर्मी सर्व कर रही थी, जो यूरोपियन सोल्जर्स सर्व कर रहे थे, उनको वहाँ से हटा के, उन प्रेसिडेंसी से हटा के कहाँ भेज दिया गया? यूरोप में भेज दिया गया, डायरेक्ट क्वीन की सर्विस में. ठीक है, इन द ब्रिटिश आर्मी. सो दिस रिजेंटमेंट रिजल्टेड इन सम अनरेस्ट, और इसी की वजह से कुछ रेबेलियंस हुए, इन यूरोपियन सोल्जर्स ने एक रिवोल्ट किया थोड़ा बहुत, और इसको कहा जाता है वाइट म्यूटनी. सो रिमेंबर दिस. सो प्रायर टू 1861 देयर वर 2 सेपरेट मिलिट्री फोर्सेज इन इंडिया. 1861 से पहले 2 फोर्सेज थी, मिलिट्री फोर्सेज थी ब्रिटिश रूल के अंडर में. कौन कौन सी? एक तो जो क्वीन की आर्मी थी, ठीक है, एंड दूसरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी. तो एक क्वीन की आर्मी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी. सो कंपनीज ट्रूप्स रिसीव्ड भत्ता और भत्ता, हमने पहले भी पढ़ा है भत्ता, जो कि किसको नहीं मिल रहा था? इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिल रहा था. सो इनको लेकिन मिलता था, यूरोपियन सोल्जर्स को ये भत्ता मिलता था. भत्ता कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट एन एक्स्ट्रा अलाउंस टू पे टू कवर द वेरियस एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस इन द अदर एरियाज. सो जैसे अगर आपको कहीं दूर भेज दिया गया है लड़ाई करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो ये था आपका भत्ता. सो इट वॉज नॉट देन, अब इस पे जो है, इस चीज़ पे जो भत्ता इनको मिल रहा था, इसमें आने वाले हैं चेंजेस. तो पावर ट्रांसफर हुई तो भत्ता भी बंद हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, अब तो ब्रिटिश क्राउन सीधा रूल कर रही है ना. तो ये जो इनको एक्स्ट्रा पे मिल रही थी, ये मिलना बंद हो गई, तो इसके अगेंस्ट में इनका ये रिवोल्ट था. सो व्हाइट म्यूटनी वॉज सीन एज द पोटेंशियल थ्रेट टू द ऑलरेडी प्रिकेरियस ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया. अब आपको पता ही है, उनका पूरा फाउंडेशन हिल गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश का इंडिया में. अब एक और अगर म्यूटिनी होगी, अगर एक और रेबेलियन होगा, वो भी खुद के सोल्जर्स अगर करेंगे, तो ये तो बड़ा शर्म की बात हो जाएगी ब्रिटिश के लिए. सो दिस विद द पोटेंशियल ऑफ इंसाइटिंग रीन्यूड रेबेलियन अमंग दी स्टिल एक्साइटेड पॉपुलेशन इन इंडिया. तो ये एक थोड़ा सा एक थ्रेट जैसा था, एक डेंजर था, अगर ये म्यूटिनी जो है वो बढ़ती. सो डिमांड्स ऑन द यूरोपियन फोर्सेज इंक्लूडेड एन एनलिस्टमेंट बोनस और अ चॉइस ऑफ रिलीज फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस. अब इन्होंने किया डिमांड, किसने? यूरोपियन सोल्जर्स ने किया डिमांड कि पहले तो आप हमको बोनस दोगे, या फिर हमको चॉइस होगी हम कहाँ सर्व करें, हम इंग्लैंड जाएं या फिर हम इंडियन प्रेसिडेंसीज में ही रहें, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए. फाइनली क्या हुआ, डिमांड को एक्सेप्ट किया गया. डिमांड फॉर फ्री एंड क्लियर रिलीज विद फ्री पैसेज होम वॉज एक्सेप्टेड. तो डिमांड उनकी एक्सेप्ट कर ली गई, जिनको जाना था वापस इंग्लैंड, अपने घर जाना था, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर पहुंचाया गया. एंड मेनी मैन ऑप्टेड टू रिटर्न होम, और कईयों ने डिसाइड किया ठीक है हम अपने घर ही जाएंगे. इट इज ऑल्सो बिलीव दैट ओपन रेबेलियन एंड फिजिकल वायलेंस ऑन द पार्ट ऑफ यूरोपियन फोर्सेज वर सच दैट देयर वॉज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ बींग एक्सेप्टेड इन टू द क्वींस आर्मी. एंड जिस तरीके से उन्होंने रेबेलियन किया, अब देखिए इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो एज अ सोल्जर्स दे वर हाईली एफिशियंट. ठीक है, लड़ाई वड़ाई करने में उनकी ट्रेनिंग क्योंकि अच्छी होती थी, अच्छी खासी ट्रेनिंग होती थी उनकी. सो दे यूज टू फाइट वेल एज वेल. और जिस तरीके से इन्होंने रेबेल किया, तो ऑब्वियसली इनको वहाँ क्वीन की आर्मी में तो जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि अब यहाँ पे भी वही लॉयलिटी की बात आ जाती है ना, कि आपने भी हमारे अगेंस्ट जो है रिवोल्ट कर दिया, तो हम आप पे कैसे भरोसा कर लें. तो इनको वहाँ पे जाके क्वीन की आर्मी में कोई एम्प्लॉयमेंट एज सच नहीं मिली. ठीक है, अब बाकी कुछ भी उनको दूसरी एम्प्लॉयमेंट दी गई हो, दैट आई डोंट नो अबाउट, बट ये चीज़ थी. दिस वॉज अबाउट अ वाइट म्यूटनी. सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, दैट वॉट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ 1857 रिवोल्ट. तो सबसे पहला, इट प्रूव्ड यूजफुल इन दैट इट शोड अप द ग्लेयरिंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इट्स आर्मी. क्या क्या खामियाँ थी आर्मी में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका सारा पता चल गया. कैसे पता चला भाई?
ऑब्वियसली इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, अलग अलग जगह पे जो है सोल्जर्स रिवोल्ट कर गए, ठीक है, ऑफिसर्स को मार दिया, तो कुछ तो कमी रही होगी उनके पार्ट पे ब्रिटिश के कि वो एक तो कंट्रोल में नहीं लेके आ पाए, कंट्रोल तो चलो बाद में आखिर हो कैसे गया, ठीक है, तो ये सब उनको अपनी कमियाँ पता चली, इंडियंस को भी पता चली, एंड दे रेक्टिफाइड इट। और इसको बाद में उन्होंने वही नए एक्ट्स लाके, रिक्रूटमेंट्स एक्ट लाके, ऑर्गेनाइजेशन करके कंपनी का नए स्केल पे उन्होंने ठीक भी कर लिया। सो दीज डिफेक्ट्स वुड नेवर हैव बीन रिवील्ड, अगर ये रिवोल्ट नहीं होता तो कभी ब्रिटिश को पता ही नहीं चलता कि हमारी आर्मीज में आखिर क्या प्रॉब्लम है। सो फॉर इंडियंस, इंडियंस के लिए 1857 रिवोल्ट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रॉट आउट इन ओपन ग्रीवेंसेज ऑफ द पीपल। जो लोग सफ़र कर रहे थे, किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्यों सफ़र कर रहे हैं, लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, सिपॉइज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो अब ओपनली सामने आ गई, ठीक है, और वो जेन्युइन भी थी, उनकी सफरिंग्स जेन्युइन भी थी। 1857 रिवोल्ट के बाद ये पता चला, ठीक है। नेक्स्ट, सेंसलेस एट्रॉसिटीज कमिटेड बाय बोथ द साइड्स। अब देखिए, लार्ज स्केल पे किलिंग हुई है, आपको पता है दोनों तरफ से किलिंग हुई है, यूरोपियंस ने भी मारा है इंडियंस को और इंडियंस ने भी यूरोपियन ऑफिशियल्स को सीधा शूट आउट किया है, और या इंडियन सोल्जर्स वर आल्सो शूट आउट। सो एट्रॉसिटीज मतलब बहुत ही भयानक तरीके से भी एक दूसरे का के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, एंड इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हु वर इंक्रीजिंगली कन्विंस्ड दैट वायलेंस वाज टू बी एश्यूड इन एनी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और इसके बाद एक चीज़ जो है बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि वायलेंस से कुछ नहीं होता। अब आगे आने वाली जो भी मूवमेंट्स होने वाली थी, स्पेशली आप देखोगे जो सत्याग्रह हुए गांधी जी के अंडर में, तो उनका तो पूरा नोशन यही था कि ट्रुथ के लिए लड़ाई करनी है और अहिंसा के साथ करनी है। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा कहते हैं कुछ लोग अहिंसा कहते हैं, दैट इज़ नॉन वायलेंस, बिना लड़ाई किए, बिना वेपन्स उठाए आपको लड़ाई करनी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है अब पता चलने वाली है, क्योंकि इतना कुछ हुआ, इतने लोगों की जाने गई, लेकिन क्या कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकला इसका? नहीं, ठीक है। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड एस्टेब्लिश लोकल ट्रेडिशंस ऑफ द रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल विच वर टू बी हेल्प इन द कोर्स ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। तो ये जो पूरी लड़ाई हुई है, इसमें जो पहले से ही ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ रहा था, उससे पहले जब फार्मर्स जो हैं वो रिवोल्ट कर रहे थे, ट्राइबल मूवमेंट्स हो रही थी, ट्राइब्स रिवोल्ट कर रहे थे, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हाँ, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो है वो कोई 1857 के रिवोल्ट में नई बात नहीं हुई थी, बहुत पहले से ही चला आ रहा था ये, और ये आगे कंटिन्यू भी होने वाला था और नेशनल स्ट्रगल के फॉर्म में ये कंटिन्यू होने वाला था। अब और भी मासेस इन्वॉल्व होने वाले थे और भी इंटेलेक्चुअल्स इन्वॉल्व होने वाले थे इस स्ट्रगल में। सो दिस वॉज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड, ठीक है। आप समरी प्लीज़ देखिएगा इसकी, प्लीज़ गो थ्रू द समरी एंड आई विल अगेन tell you the same thing that before revising any chapter, go through the summary, okay? So we are done with this revolt of 1857, very, very important chapter, go through it really well, and don't forget to like, share and subscribe. Meet you in the next lecture.